हेलो क्लास 12th, हम आज यहाँ पढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक को दैट इज़ जेनेटिक कोड। सो जितना भी प्रीवियस अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। सो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो न्यूक्लिक एसिड है वो कॉपीड हो जाता है फ्रॉम द अनदर न्यूक्लिक एसिड, राइट। जैसे कि प्रीवियस आपने देखा था कि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि वो डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की एक कॉपी बन गई। एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए की कॉपी बनी हुई है उसमें जब हम बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज से पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, सो जो कोड्स हैं उन्हीं कोड के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री पोल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए वहाँ पर हमें मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन था अभी तक, उसमें तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे न्यूक्लिक एसिड से कॉपी हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कम्प्लीटली बहुत ईजिली और बहुत बिना विदाउट एनी प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिस जो था कि जैसे कि अगर हमने आपको प्रीवियस बताया कि अगर ए है तो आगे क्या होगा, हम आरएनए बना रहे तो ऑलवेज यू, और अगर यहाँ पे जी होगा तो ऑलवेज सी, और सी होगा तो ऑलवेज जी। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी बता चुके हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री का सेंस यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बहुत इजीली यहाँ पर बन गया, फाइन। बट अब जो हमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस की तरफ हम आगे जा रहे हैं, राइट। अभी हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आगे तरफ जा रहे हैं। तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एज अ पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की तरह होती है वहाँ पर। दैट मीन्स जब हम न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, सो वहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र हो रही है वो कैसे होती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका एक पॉलीमर आपको चाहिए होता है। एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स, बहुत छोटे छोटे से मोनोमर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, जिस न्यूक्लियोटाइड में आपको नाइट्रोजन बेसिस मिल रही है, पेंटोस शुगर मिल रही है, तो उनका जो ग्रुप है यहाँ पर उनकी एक पॉलीमर सीरीज आपको चाहिए, और यही पॉलीमर सीरीज आगे जाकर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगी, ओके। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का कोई भी फिनोमिनन वर्क नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, और अभी तक ऐसा कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकली ऐसा हम कर भी नहीं सकते। सो फर्स्ट यहाँ पर मैंने बताया कि पहले तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री का सेंस था वो डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन में हो गया, बट इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन की तरफ आगे जा रहे हैं जहाँ पे अमीनो एसिड बनना है, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक अमीनो एसिड एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड उसी की कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग बन जाए, तो वैसा फिनोमिनन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। सो अब यहाँ पर क्या हो गया, तो अब कुछ एविडेंस है, कुछ ऐसे एविडेंस यहाँ पर आए जिन्होंने ये दिखाया, कुछ एविडेंस आए हमारे पास, और ऑल्सो कुछ सब ऐसे चीज़ें हमने नोटिस की जिससे ये पता चला कि जो न्यूक्लिक एसिड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास अभी आया, राइट। अभी कि आपने डीएनए को कॉपी कर लिया, डीएनए को कॉपी करने के बाद जो उसमें आरएनए बना, तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंज इन अमीनो एसिड, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड ही आगे जाकर जेनेटिक मटेरियल जो है वही आगे जाकर थोड़ा चेंज होते हैं, एंड चेंज होकर वो क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड, और जो कि प्रोटीन में कन्वर्टेड हो जाता है, राइट। सो ये चीज़ अब कैसे होती है, सो इस चीज़ को हम बता डायरेक्टली बताने के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म होती है, और ऑल्सो ये जो यहाँ पे लाइन बताई गई है कि जो जेनेटिक मटेरियल है यही चेंज होगा, और इस वजह से एक जेनेटिक कोड वाली फिनोमिनन यहाँ पर रिप्ले ओरिजिनेट होती है, कि इस वजह से एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन हुआ, कि जिस एक जेनेटिक कोड बन जाते हैं, और ये जेनेटिक कोड डायरेक्ट अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में होते हैं, और जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दैट मींस जो अभी आरएनए हमारे पास आया है, उस आरएनए में जो न्यूक्लिक एसिड है यानी कि ए या यू या जी सी ए सी जी, ये जो न्यूक्लिक एसिड लगे हुए हैं ये सारे क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं अपने अंदर, कुछ चेंज हो रहा है न्यूक्लिक एसिड की, जिस तरीके से ये बेसिकली करते हैं क्या, ये थ्री थ्री के पेयर्स में डिवाइड होते जाते हैं। सो अगर इस तरीके से यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस की वजह से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, बाय द सीक्वेंस एक सीक्वेंस फॉर्म होगा, एंड उसमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ओके। सो जो ये
फैक्टर यहाँ पे भी बताया गया है कि रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल। सो पहले तो यहाँ तो बताया गया कि बेटा जो डीएनए को पढ़ना है, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत अच्छा है, उसे हम पढ़ सकते हैं। बट वहीं पर जो पोजीशंस हैं किसकी, जेनेटिक कोड्स की, वो बहुत चैलेंजिंग है, उनको आप इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जो कि हर एक चीज़ में प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करें और एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल कर दें, तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा किया गया और जिनके थ्रू कुछ डिसिप्लिन, कुछ थ्योरीज निकाली गई, जिसमें कौन कौन साइंटिस्ट में कौन कौन कुछ फिजिसिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, इनको जेनेटिस्ट थे जो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यानी फिजिक्स के कुछ पोर्शंस के लिए फिजिक्स के साथ, फिजिक्स के जो वहाँ पर वैज्ञानिक थे वो वहाँ पे हुए साइंटिस्ट, फिजिक्स साइंटिस्ट वहाँ पे लिए गए थे, एंड इसी तरह सम अदर। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, और हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। सो फर्स्ट यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो जो साइंटिस्ट इनका नाम था क्या था, जॉर्ज गैमाउ, ये फिजिसिस्ट थे। इन्होंने बताया कि ओनली चार तरह की नाइट्रोजन बेसिस है, अभी तक आपने देखा कि ओनली फोर टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आपको दिख रहे हैं, राइट, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल इसलिए क्योंकि हमारे नेम है ना, तो सिर्फ चार तरह के ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस, ए जी यू सी यू, ठीक है। तो हमें सिर्फ चार तरह के नाइट्रोजन बेसिस दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं चार नाइट्रोजन बेसिस से 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज वी नो कि 20 अमीनो एसिड है। तो ये जो चार है, ये जो फोर है, ये फोर के फोर क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस को फॉर्मेशन कर रहे हैं, बनाने में फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड सारे के सारे। अब ये कैसे बनेगा, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे बन सकता है ये, क्योंकि अगर हम ये बता दें कि एक बेस से एक बन रहा है, ए यू जी सी, ठीक है, अगर आप ये मान लो कि एक बेस से एक बनता है, इस बेस से भी एक ही बन रहा है, इस बेस से एक बन रहा है, इस बेस से एक बन रहा है, सो पॉसिबल ही नहीं है कि 20 के 20 बन पाएंगे, सिर्फ यहाँ पर फोर ही बन सकते हैं। तो अब ये कैसे चीज़ें सही होंगी यहाँ पर, कि अगर 20 बन रहा है, ये तो हमें मालूम है ना 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं, सो ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मे बी सम कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि पहले तो क्या होते हैं कि पहले तो वो सिंगल सिंगल ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बट जब वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जब वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो मे बी सम कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होते हैं। जैसे मान लो एक ये कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, ए जी यू बन गया, या फिर एक ये कॉम्बिनेशन कर लिया तो उसने क्या बना दिया, यू जी यू सी बना लिया, राइट। तो इस तरीके से इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें वो कॉम्बाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से ने बताया कि जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर 20 अमीनो एसिड बन पाते हैं, ठीक है। सो उन्होंने ये ऑर्डर भी दिखाई दिया कि किस ऑर्डर में अमीनो एसिड शुड बी बनने चाहिए, और उन्होंने ये बताया कि जो 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं उन सब में एक न्यूक्लियोटाइड में कितने होने चाहिए, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक जो आप कोड बना रहे हो, एक जेनेटिक कोड अगर जो आप बनाओगे उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ मौजूद होंगे। दैट मीन्स इन्होंने क्या बात बताई कि 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, इन 4 नाइट्रोजन बेसिस से 20 अमीनो एसिड बनने हैं, और 20 अमीनो एसिड जो हैं वो, जो 20 अमीनो एसिड होंगे, हर एक में 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होना कंपलसरी है। तो अब ये किस तरीके से बन सकता है, तो यहाँ पर एक सोचा गया कॉम्बिनेशन कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि हमने क्या बात करें, हमने बोला कि 4 नाइट्रोजन बेसिस है, और हर से कितने बन रहे हैं, हर से जितने हैं 20 अमीनो एसिड बनने चाहिए हमारे पास, और सब में जो कॉम्बिनेशन जाएगा वो 3 तो न्यूक्लियोटाइड जाएगा ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो 4 है उसका होल क्यूब कर दिया, दैट मीन्स 4 × 4 × 4, तो यहाँ पर टोटल कितने बन गए, 64 कोडॉन्स बन गए, राइट। हमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, बट हमारे पास कितने हो गए, 64 कोडॉन्स बन गए, मतलब जितना हमें जनरेट करने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कोडॉन्स यहाँ पर बन गए हैं। और एक्चुअली में ऐसा होता है, बहुत सारे कोडॉन्स बन जाते हैं, बट उसमें से कुछ रीजंस की वजह से सारे वर्कबल नहीं होते, ठीक है। बट दैट इज, ये जो थ्योरी ने बताई वो बिल्कुल सही थी कि 4 ही नाइट्रोजन बेसिस हैं, एंड वही आगे जाके अमीन न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, एंड 4 जो है वो 3 3 के ग्रुप्स में फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ से उन्होंने बताया कि 64 कोडॉन्स बन जाते हैं, जितने हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही। ऑल्सो
ये भी एक अब बहुत चैलेंजिंग टास्क था ये चीज़ प्रूफ करनी कि जो कोडॉन्स है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि ए यू ये एक फॉर्मेशन हो गई, नेक्स्ट यू सी जी जी ये दूसरा फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरीके से जो बता रहे हैं कि जो कोडॉन्स है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है ये बता पाना बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज किस तरीके से इसे समझाया जाए ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। सो एक्चुअली एक यहाँ पर मेथड डेवलप किया, वो मेथड डेवलप किया था सर हर गोविंद खुराना सर जी ने, इन्होंने ही यहाँ पर एक मेथड बताया कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं डीएनए को, सॉरी जो आरएनए है उनको प्रॉपर टेक्निक्स जो कोडॉन्स की हैं वो समझ सकते हैं। एंड इसी के लिए सर गोविंद खुराना सर को, हर गोविंद खुराना सर को क्या था नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सो आफ्टर दैट उन्होंने बताया एक उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल एक तरीके से क्या किया था, आरएनए को सिंथेसाइज करवाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पर आरएनए को सिंथेसाइज किया, मतलब एज अ आपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया, उन्होंने एक शेल से बाहर उनको सिंथेसाइज करके देखा था कि किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो कॉम्बिनेशन है वो दो बेसिस से बनते हैं, कौन सा, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स के। सो ये किसने बताया हमें, हरगोविंद सर खुराना जी ने बताया। सो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि दो तरह के आपको यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, एक और उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी दो तरीके का होगा, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। सो होमोपॉलीमर का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जो पॉलीमर्स है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया पॉलीमर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर एक पॉलीमर बनता है। होमो मतलब जितने भी पॉलीमर्स यहाँ पर लगे हैं सब सेम हैं, यानी कि अगर यहाँ पर यू 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 लगा है तो सब में क्या होगा, यू 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 ही लगा होगा, तो इस तरीके का जो पॉलीमर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमो पॉलीमर्स। एंड उन्हें बताया कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम को पॉलीमर्स बोलते हैं, जहाँ पर दो से तीन या तीन से ज़्यादा पॉलीमर्स एक साथ अटैच हो सकते हैं, जैसे कि यू जी सी, ठीक है, एक ये हो गया, एक यू यू ए, फिर से यू जी सी, फिर यू यू ए, तब यहाँ पे क्या है कि को पॉलीमर्स हैं, जब ढेर सारे पॉलीमर्स हैं एक से ज़्यादा वो अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि वो एक एक जैसे ही हो, बिल्कुल एक ही, यानी यू 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 बन जाए या सी 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 बन जाए, जी 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 बन जाए, ए ए बन जाए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर्स। और वहीं अगर अलग अलग होंगे, यानी कि यू सी जी यू जी ए ए यू जी ए यू सी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, को पॉलीमर्स होती है। ये सारी चीज़ें बताई थी और ये सिंथेसिस किया था सर हरगोविंद खुराना ने। आफ्टर दैट कुछ और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने बताया, दैट इज मार्शल निकलबर्ग, इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम लिया, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो उन्होंने क्या किया कि जो इसकी आउटर शेल है ये हटा दी, आउटर शेल्स को हटा दिया, उन्हें सेल फ्री कर दिया, और तब उसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उसको प्रॉपर वहाँ पर डिस्क्राइब किया उन्होंने। सो फर्स्ट तो उन्होंने एक एंजाइम देखा जो बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो एंजाइम क्या था, सर्वो ओका एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेम थोड़ा सा यूनिक है और बहुत कम आपने सुना होगा। तो जो सर्वो ओका एंजाइम है, जो कि एक्चुअली है क्या, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोरिलेज है। सर्वो न्यूका ओका एंजाइम बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि जो डीएनए आरएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसके सीक्वेंसेस को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, या फिर जो आरएनए सिंथेसाइज्ड हुआ है उस आरएनए में जो कोडॉन्स वहाँ पर बन रहे हैं उनको समझने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, सर्वो का एंजाइम, और वो एक्चुअली है क्या, दैट इज़ पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोलिपिडेज। ओके, आफ्टर दैट एक फाइनली इतने सारे साइंटिस्ट के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद एक चेकर बॉक्स बनाया गया, जिससे ये समझा गया कि किस तरीके से जो कोडॉन्स हैं वो हेल्प करते हैं, या फिर किस तरीके से कोडॉन वर्क करते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से समझाया, देखिए अब ये चेकर बॉक्स है, आपको इसको समझना है कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक मैं सिर्फ अभी एक बॉक्स की बात करती हूँ, सिर्फ ये वाले बॉक्स की भी हम बात करें। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें कितने पार्ट किए, फोर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि हर हमें मालूम है जब हम क्रॉस इसके रिवर्स कराते थे तो हम एक चीज़ यहाँ पे लिखते थे, राइट, अपर साइड, और एक यहाँ पे लिखते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पहले सिर्फ एक कोडॉन, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यू,
तो यहाँ पे इन्होंने लिखा यू। आफ्टर दैट इन चार बॉक्सेस में जो चार तरह के बेसिस होते हैं वो आपने लिखे, यू सी ए जी, ठीक है, चलो इजी। उसके बाद इन्होंने बताया कि हर एक गोडाउन में थ्री कॉपीज होती है ना, तो अब ये थ्री कॉपीज कैसे आएंगी, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो ये साइड है, इन दिस साइड सारे आपको मिलेंगे, यानी कि यू सी ए जी, हर तरह के आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है, ए सी। तो एक साइड में जस्ट एक नाइट्रोजन बेसिस लिखा हुआ है, और ऊपर वाले बॉक्स में हर बॉक्स में एक एक नाइट्रोजन बेस लिखा है, साइड में सारे नाइट्रोजन बेसिस एक साथ लिखे हुए हैं। अब ये जो कोडॉन्स उन्होंने बताए हैं ये किस तरीके से बनेंगे, तो आप देखो, सो जो ये वाला यू है, ये वाला यू पहले इस वाले यू से जो अटैच होगा, ये दोनों बॉक्स, और एक्चुअली ये भी इसी बॉक्स में आएगा, तो इन्होंने पहले यहाँ पर लिखा है यू यू यू। अगर मैं यहीं पर आपको समझाऊँ, सो ये वाला फर्स्ट इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा ऊपर वाले बॉक्स से, और जो इसके साइड वाले बॉक्स लगा इसके साथ, तो यू 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 बना हुआ है दिस। नेक्स्ट जो यू यू ये यू है ये इस यू के साथ बनाएगा, और नेक्स्ट वो अब किसके पास जाएगा, अब यहाँ पर क्या है सी, अब ये इसके साथ अटैच हो गया। आफ्टर दैट ये यू यू फिर से मिलेंगे, और ये जाएगा आपकी बार किसके पास, ए के पास, तो ये इस तरीके से बना है। एंड नेक्स्ट ये यू यू क्या करेगा, यू के साथ जाके अटैच होगा, और नेक्स्ट ये वापस जाएगा जी के साथ। तो इस तरीके से एक जो यहाँ पर आपको कोडॉन दिख रहा है वो फोर टाइम्स जाकर यूज़ होगा। पहले तो वो एक बार इसको लेगा कॉम्बिनेशन में, एक बार इसको, तो ये तो कॉम्बिनेशन में हर बार होंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये चार चीज़ें यहाँ पर आपको चीज़ें होते हुए मिलेंगी, बिकॉज आप देखो तो यू 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 सब में है, बिकॉज ये यू एक सब साथ में आया, तो यू 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 सब में आ गया, और जो यू जी सी जी यू लगा हुआ है वो ये लिखा हुआ है लास्ट वाली रो में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता गया। नेक्स्ट आप देखो सी का, तो यहाँ पे क्या होगा, यू सी तो सब में होगा, तो यू सी यू सी यू सी यू सी सब में लिखा हुआ है, और यू सी भी दोनों जाकर किससे अटैच हो रहे हैं, इस ग्रुप से, तो लास्ट में ये वाला ग्रुप भी यहाँ पर लिखा हुआ है यू सी ए जी, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि सारे कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर बनाए। आप इस पूरी टेबल को पढ़ेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन किस तरीके से लगी हुई है, सेकंड पोजीशन में किस तरीके से कोडॉन्स लगे, और थर्ड पोजीशन में किस तरीके से कोडॉन्स यहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं, एंड आफ्टर दैट आप सारे चक्र बॉक्स को यहाँ पर बना सकते हैं। एंड ऑल मेरी एक एडवाइस है कि आप इसे घर पे एक बार बनाकर ट्राई करो, बिकॉज इट्स अभी तो बहुत इजी लगता है कि समझ में आ गया, बट एक बार आप उसे ट्राई करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर जैसे हम सेकंड बॉक्स का एग्जांपल देख लें, सेकंड बॉक्स में देखो आप, सेकंड बॉक्स पहले जाके किसके साथ अटैच होगा, सेकंड बॉक्स के इस पहले तो आप सिर्फ एक बॉक्स देखो, सिर्फ पर्टिकुलर आप एक ही बॉक्स देखा करो। अब ये बॉक्स अगर आप देख रहे हो तो इस बॉक्स के आगे क्या लिखा हुआ है सी, राइट, और इसी बॉक्स के ऊपर की साइड में क्या लिखा हुआ है यू, और इस बॉक्स के साइड में जो लिखा हुआ है बस, अब आपको इतना ही देखना है। सो फर्स्ट ये सी क्या करेगा, ये सी जाके अटैच होगा इस यू के साथ, और जो यू है वो जाके अटैच होगा इस यू के साथ, और ये क्या बन गया सी यू सी। अब नेक्स्ट फिर ये जाके अटैच होगा इस यू के साथ, और ये फिर जाके अटैच होगा इस सी के साथ, अब क्या बना सी यू सी, बिकॉज सी यू तो आपको हर में दिखाई दे रहा है, सिर्फ जो ये वाले कोडॉन से यहाँ पे ये चेंज हो गए, यहाँ पे जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है वो चेंज हो गए, और वैसे ही ऐसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी जो ए है वो फर्स्ट किसके साथ अटैच होगा, ये ए के साथ अटैच होगा, इस यू के साथ, ए यू से अटैच हो गया, और वापस ये क्या अटैच होंगे, यू ए सी जी, ए यू ए सी जी अटैच हो रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर भी कोड्स बनेंगे, एंड इस तरीके से आप सारे बॉक्सेस में कोड्स को यहाँ बना सकते हैं। एंड ऑल्सो इनके साथ में इन्होंने अमीनो एसिड ही बनाया हुआ है कि अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो किस तरह का वहाँ पे अमीनो एसिड बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर यू 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 लिखा है तो वहाँ पे फिनेलिन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे यू जी सी लिखा हुआ यानी सिस्टीन बनेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर एक जैसे कॉम्बिनेशन होंगे तो किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आप इन्हें काउंट करें तो 64 कोडॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि 64 कोडॉन्स यहाँ पर बनेंगे, और हर एक कोडॉन में 3-3 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। सो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, हर 4 नाइट्रोजन बेसिस में 3-3 की आपस में पेयरिंग होगी, और 3-3 की पेयरिंग की वजह से 64 कोडॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ रूल्स यहाँ पर बताए गए, जैसे फर्स्ट यहाँ पर बताया गया कि जो हमें यहाँ पर कोडॉन्स मिले हैं उनमें से जो 61 कोडॉन्स हैं वो तो आगे जाते हैं, जो ट्रिपलेट हमें यहाँ पर कोडॉन्स मिले उनमें 61 कोडॉन्स हैं वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। 3 ऐसे कोडॉन्स हैं जो कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और इन्हीं जो क्यूबिकस ये कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और इन्हीं फंक्शनल की वजह से इनको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, बिकॉज ये आगे जाकर फंक्शन नहीं करेंगे। अब हमें देखना है कि जो इतनी बड़ी सीरीज थी इसमें स्टॉप कोडॉन आपको कहाँ पर दिख रहे थे, सो ये है आपके स्टॉप कोडॉन, दिस दिस एंड दिस। सो यू ए ए यू
AGUGA, ये आपको याद रखना है कि ये कहीं भी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा. सो दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स जो कि आगे जाकर जो है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं. कौन से? UAA, UAG, UGA. ओके, अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि हुआ द स्टॉप कोडॉन कौन सा है जो कि आगे सिंथेसिस नहीं करेगा. ये ओनली थ्री हैं, आप इसे याद भी कर सकते हो कि थ्री हैं जो कि आउट ऑफ 64, 61 हो जाएगा वो, और वो किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते. तो आप फिर से याद करो, UAA, UAG, UGA. ये तो फिलहाल याद हो गया होगा, AG और UGA अपोजिट लिखा हुआ है और दूसरा UAA. सो ये तीन कोडॉन से जो कि स्टॉप कोडॉन है, ये आगे जाकर फंक्शन नहीं करेंगे. उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे भी कोडॉन्स हैं जो जिनकी वजह से एक ही तरह का अमीनो एसिड बन रहा है. मतलब कोडॉन्स तो बहुत सारे बन गए बट वो एक ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो इस तरीके के जो कोडॉन्स हैं उन्हें हम अनब्रीसियस कोडॉन्स बोलते हैं. और वो कैसे होते हैं? वेरी स्पेसिफाई हैं. लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया, सम है. तो जैसे भी अभी आपको बताया कि एक कोडॉन्स है, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं. सो देखो, वन कोडॉन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल UGU, ये ऑलवेज क्या बनाएगा? ये ऑलवेज 16 ही हमें यहाँ पर बताएगा. अगर आपको UGC आप किसी भी अदर में भी देखोगे, कहीं पर भी आपको देखोगे, वो ऑलवेज 16 ही अमीनो एसिड बना रहा होगा अगर आपको ये फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगा. सो वही बात इन्होंने बोली है कि जो एक कोडॉन है, एक कोर्स है, वो एक ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा. और वो कैसे होते हैं? इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रीजियस बोला जाता है. और ये कैसे होते हैं? स्पेसिफाई होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. वो सिर्फ एक ही तरह के फॉर्मेशन को बताएंगे, एक ही तरह का कोडॉन्स बताएंगे, उनमें कोई चेंज आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा. अगर वो इस सेल में है, यानी इस डीएनए में मौजूद है, तब भी वो इस आरएनए में मौजूद है, तब भी वो यही दिखाएंगे. अगर वो किसी और भी बैक्टीरिया या किसी और शेल में मौजूद है, तब भी वो यही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड है जो एक से ज़्यादा बार रिपीटेड हुए, यानी कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जो एक से ज़्यादा कोडॉन से बन सकते हैं. आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो सिर्फ एक अमीनो एसिड बना रहा था, अदरवाइज कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखे आपने कि जो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को बना रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? उनमें से कुछ क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे. फाइन, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप अगर ये देखो, ओके, अगर आप यहाँ पर देखें, ओके, सो जैसे आप अगर देखो, AUU, AUC, AUA, ये सब क्या बना रहे हैं? एलाइल यहाँ पर बना रहे हैं. और उसके ऊपर आप देखो, AUG, AUU, सॉरी, CUG, CUA, CUC, UUC, सब इन्होंने ल्यूकेस ल्यूकेस बनाया हुआ है. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इन सब ने सेम तरीके का बनाया हुआ है, और इन तीनों ने भी सेम तरीके का ही बनाया हुआ है. बट अगर आप AUG को देखो, तो इन्होंने मेल्ट बनाया है, जो यहाँ पर आपको कहीं और मेल्ट दिखाई दे रहा है. आप कहीं और मेल्ट देख पा रहे हैं? आप पूरे पैराग्राफ में अब आप इसे ढूंढो कि कहीं और आपको मेल्ट दिखाई दे रहा है. MET सब जगह आप अगर से देखो, सो इट इस नहीं, ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है. सो इसीलिए ये जो है, ये तो स्पेसिफाई हो गया, बहुत स्पेशल टाइप हो गया, जो एक ही से केवल बनता है उसे हम स्पेसिफाई बोलते हैं. बट ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये एक से ज़्यादा कोडॉन्स बन जाते हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? डीजनरेटेड यहाँ पर हो जाते हैं. सो ये जो कोडॉन्स है वो क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं अगर वो एक से ज़्यादा बार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. ओके, और जो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अगर हम यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए एक्चुअली जो वो कोडॉन्स को रीड करता है, सो वो कंटीन्यूअस फैशन में रीड करता है, कोई भी वहाँ पर आपको पंक्चुएशंस या फिर कोई भी आपको वहाँ पर गैप नहीं मिलेगा. दैट मीन्स जब आरएनए है, आरएनए जब उसे रीड करता हुआ जा रहा है, सो यहाँ पर AUG, नेक्स्ट UGC, नेक्स्ट AUG, नेक्स्ट यू, जो भी चीज़ें हैं वो लगातार यहाँ पर रीड करता हुआ चला जाएगा. उसमें कोई भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक उसने यहाँ पर रीड किया, दूसरा वो यहाँ रीड कर रहा है, तीसरा, मतलब बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एक कंटिन्यूस, एक कंटिन्यू फैशन में वो उसे रीड करता हुआ आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट, जो भी कोड्स है वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं. दैट मींस अगर हम बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक की सारी सब चीज़ों को पढ़ें, तो जो यू 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 है वो ऑलवेज फिनाइलिन को दिखाता है. सो यस, वो हमेशा फिनाइलिन को ही दिखाएगा. ओके, कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपको कहाँ देखने मिलेंगे. माइट्रोकॉन्ड्रियल सेल होती है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का कोडॉन्स होते हैं वहाँ पर, इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स थोड़ी बहुत डिफरेंट सिमिलैरिटीज होती है, थोड़ा सा अलग होता है, अदरवाइज
मोस्टली जो कोडॉन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वही आपको फर्दर सारे एनिमल्स में इसी तरीके के कोडॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे भी कोडॉन्स होते हैं जो कि डुअल नेचर को शो कर रहे हैं, दो वर्क करते हैं, जैसे AUG ड्यूअल फंक्शन है। पहले तो ये क्या करता है, मेटालिन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ऑल्सो ये एक किसकी तरह वर्क करता है, एक इनिशिएटर की तरह ही वर्क करता है, यानी कि जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले किसका होगा, ए जैसे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगी, AUG सिंथेसाइज होगा। आफ्टर दैट सारी चीज़ें यहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं। ओके सो अगर ये बोले कि जो कोड सिंथेसाइज हो रहा है कोड्स का वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम AUG। ओके और ये जो उसके बाद उन्होंने बताया कुछ फॉलोइंग सीक्वेंसेस बताए हुए हैं जिसमें आपको चेकर बोर्ड की हेल्प से बताने हैं कि ये किस किस का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। तो अगर आपको याद है कि AUG किसको बता रहा है, अभी यहाँ पे इन्होंने बताया मिथाइलिनिन, तो ये मिथाइलिन को बता रहा है। UCG ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि ये फिनाइलिन को बता रहा है, यहाँ पर भी UGG भी फिनाइलिन को बता रहा है। UCG जिस तरीके से आप बता सकते हो कि ये किस कौन कौन से अमीनो एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर दैट कुछ ऐसे कुछ इन्होंने यहाँ पर फिनाइलिन भी लिखे हुए, कुछ ऐसे अमीनो एसिड लिखे हुए जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन और इन योर जेनेटिक कोड्स के फॉर्मेशन में। तो ये इन्होंने यहाँ फॉर योर प्रैक्टिस लिखा हुआ है जिसको आप बहुत इजीली कर सकते हो। और आप इस तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल्स है, जेनेटिक कोड्स है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर इन्होंने जो बतानी थी मुझे कि जिस तरीके से बेटा AUG क्या होता है, आपका इन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, उसी तरह जो UUU होता है, UUU या फिर UAU, तो ये जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली ये टर्मिनेटर पॉइंट्स होते हैं कि जब हमें यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे तब जो फॉर्मेशन हो रहा है या फिर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें टर्मिनेटर्स भी बोला जाता है। ठीक है सो इस तरीके से हमने आज यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से जेनेटिक कोड्स वर्क करते हैं और किस तरीके से उनका फॉर्मेशन